खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां एक तरफ नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ विकास कार्य के मुद्दे भी गर्माते जा रहे हैं। जो नेता विकास कार्य करेगा वही क्षेत्र की जनता पर राज करेगा। आपको बता दें कि न्यू हैदरगंज तृतीय वार्ड नंबर 20 के पिंक सिटी के निवासियों ने अपने क्षेत्र का बुरा हाल दिखाया, जहाँ पर रोड पर गंदा पानी और कीचड़ भरा होने की वजह से रास्ता पूरी तरह बंद पड़े हैं। वही क्षेत्र की जनता ने नगर निगम के पार्षदों पर काम न करने के आरोप लगाए, लेकिन फिर भी कोई नगर निगम का सफाई कर्मचारी क्षेत्रीय विधायक जनता का हाल लेने नहीं पहुंचा है। आज हम मौजूद है पश्चिम विधानसभा के पारा क्षेत्र के वार्ड नंबर 20 में, और यहां पर लगातार कई बार नगर निगम के पार्षद रहे, और उसके बाद यहाँ पर इस पिंक सिटी क्षेत्र में यहाँ पर विकास कार्य के नाम पर बिल्कुल जीरो रहा अभी तक। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर ना तो नाली, ना तो यहाँ पर जो है खड़ंजा है, और पास में यहाँ पर मंदिर भी बना हुआ है, जहाँ पर लगातार गंदगी का अंबार यहाँ पर जो है ढेर लगा रहता है। और हम आपको बता दें कि ये यहाँ पे जो है सरकारी नल लगा हुआ है, नल बिल्कुल कीचड़ में धस गया। यहाँ पर जो है नल को लेकर यहाँ पर पानी की भी काफी समस्याएं हैं। और हम आपको बताते चले कि इस क्षेत्र में लगातार कई बार नगर निगम के पार्षद रहे, और यहाँ पर जो है समाजवादी से पार्षद रहे, और इसके पहले भी यहाँ पर जो है ये क्षेत्र नगर निगम में बराबर था, लेकिन यहाँ पर विकास कार्य के नाम पर लगातार जीरो रहा। और नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं विकास कार्य कराने के लिए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर कोई इस क्षेत्र में झांकने नहीं आता है। जब इसी जो है सिलसिले में यहाँ पर हम आज पहुंचे हैं, जो यहाँ की जनता लगातार इस कीचड़ से, और यहाँ पर जब बारिश होती है तो कीचड़ भर जाता है, जिसको लेकर यहाँ की जनता काफी परेशान है। और आइए हम उनसे बात करते हैं यहाँ पर कि इस बार ये लोग कैसा नेता अपने यहाँ पे बनाएंगे। क्या नाम है आपका? भगवान देवी। इस क्षेत्र में विकास कार्य अभी तक क्यों नहीं हुआ? अब कोई आते है देव, कोई देव बनाता नहीं। नहीं, यहाँ पर नेता वोट मांगने आते हैं? हाँ, सब आते हैं। तो क्या कहते हैं? दिन जाता कहते हैं कि बना देंगे, जब जीत जाते तो कोई सुनवाई नहीं करते हैं। नहीं तो इस बार आप लोग कैसा नेता बनाओगे? ऐसा नेता बनाएंगे जो हमारी सड़क तो नाली बनवाएगा, उसका बनाएंगे। नहीं, नेता तो बहुत आते हैं, समाजवादी भी है, बसपा भी है, भाजपा भी है, कैसा नेता चुनोगे आप लोग? कैसा नेता बनाओगे आप लोग इस बार? इस बार हम वो नेता बनाना चाहेंगे जो हमारी दो हमारी नालियाँ प्लस हमारे चलने के लिए कोई साधन उपलब्ध करेगा, उसी को बनाएंगे, उसी को हम चुनना चाहेंगे। कोई भी पार्टी से मुझसे इससे मतलब नहीं है, मेरी जो कार्य करेगा मेरे वोट के लिए मैं उसको चुनना चाहूंगी। नहीं, नेता तो यहाँ पर अभी बहुत से लोग आएंगे, भाजपा वाले भी आएंगे, सपा वाले भी आएंगे, कांग्रेस भी होगा। तो यहाँ पर इस बार अभी तक तो यहाँ नगर निगम में कई बार यहाँ पर पार्षद रहे, अभी तक यहाँ पर विकास कार्य नहीं हो पाए, लेकिन इस बार आप लोग किस प्रकार का नेता बनाना चाहोगे? इस प्रकार का नेता बनाना चाहूंगी जो कुछ कार्य करके मुझे दिखाए। नहीं तो नेता 5 साल में एक बार पब्लिक को ढूंढती है, और उसके बाद पब्लिक लगातार पब्लिक लगातार नेताओं के घर पे जाती है विकास कार्य के लिए। तो नेता क्या बताते हैं? नेता कहते हैं अभी चलिए आइए, थोड़ी बार टाइम नहीं है, अभी बिजी है थोड़ा, कल आइए, परसों आइए। नहीं तो नेता जी आराम करते हैं, बताते हैं कि अभी जो है विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, बिजी है थोड़ा सा, अभी आराम करने का समय 12 बज गया है। तो इस बार आप लोग क्या क्या बदलाव चाहते हो? बिल्कुल बदलाव चाहिए। हर बार बोलते हैं कि काल नहीं देंगे, ये करेंगे, कुछ सड़कें बनवाएंगे, खड़ंजा उठाएंगे, मलबा, यहाँ हर नेक्स्ट टाइम आए थे 5 साल पहले, बोले मलबा डलाएंगे, मलबा तो दूर है, यहाँ पलट के देखने तक नहीं आए। नहीं तो यहाँ पर बारिश में काफी समस्याएं होती होंगी, जिस प्रकार यहाँ पर सामने तो बारिश का सीजन भी नहीं है, और तभी हम लोग बच्चों को लेना हो तो गोद में लेके जाना चाहते हैं, स्कूल बच्चे नहीं जा सकते, गाठियों में चलते बच्चों को रिक्शा करना, साधन निकलता साधन डूब जाता, गाड़ी जिसके पास है वो बेकार हो रही है। नहीं तो इस बार जैसे कि यहाँ पर अभी तक कोई नेता वोट मांगने आया कि नहीं आया? अभी भाजपा ने लिखा चुके कोई इधर आए नहीं, यहाँ कोई नहीं आया, नहीं आ रहे हैं। जब नेता यहाँ पर आएंगे तो आप लोग क्या बात करोगे? पहले कार्य करके हमें कुछ दिखा, उसके बाद हम वोट आपको सुनेंगे। आप लोग क्या चाहते हो, बदलाव चाहते हो इस बार नगर निगम में? हाँ, बदलाव बिल्कुल चाहेंगे, जो सड़क बनवाएगा, जो यहाँ पे अच्छा करेगा हमारे लोगों की, उसी को वोट मिलेगी। नहीं,
कई सरकारें हैं जो है केंद्र में भी और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। भाजपा मतलब सपा मतलब हमारा जो काम करेगा उसको हम वोट देंगे। बिल्कुल सही बात है, जो विकास कार्य करेगा वही राज करेगा, है ना। जो पार्टी को हम वोट नहीं देना तो कोई सुनवाई नहीं गई, और जो हम सुनवाई पहले करें तो हम वोट देंगे। बहुत अघात जन देश होता है। इस बार नेता वही चुना जाएगा जो 24 घंटे आप लोगों के लिए उपलब्ध हो, विकास कार्य करे। जैसे कि जो है मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास, और आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या सबका साथ और सबका विकास किस तरीके से चल रहा है। क्या नाम है दादा? प्रकाश। नहीं तो यहाँ पर जो है जैसे कि मोदी जी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास हो रहा है कुछ नहीं। तो राशन मिल रहा है लगातार? राशन तो खैर मिलता है, राशन जो बीच में एक दो मना हो जाता है राशन पूरा मिलता है। गैस सिलेंडर कॉलोनी ये कुछ नहीं। नहीं तो जैसे कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, योगी जी का भी कहना है सबका साथ सबका विकास, कुछ मिले नहीं क्या बताया जैसे विकास है। खाली में जो राशन मिलता है जो बस और कुछ नहीं मिलता। नल तो लगाया गया था तो वो भी पानी में हो गया, कोई तो सुनवाई नहीं है। और हम पंजे तारा उनके रीना पास गए भी थे, माना पूरा 3-4 दिन लेकर गाड़ी से रक्षा से बैठा बैठा लेकर गए, कहीं देखा जाएगा फिर बनाएगा फिर देखा जाएगा, फिर तब तक बनी रहा है। यहाँ पर जो है वार्ड नंबर 20 के पारा क्षेत्र की यहाँ पर जो है जनता है काफी शिकायत कर रही है कि यहाँ पर कई बार नगर निगम के पार्षद भी हुए लेकिन विकास कार्य नहीं हो पाया, और इनका यह कहना है कि इस बार बदलाव चाहते हैं, जो विकास का कार्य करेगा वही क्षेत्र की जनता पर राज करेगा। मैं लखनऊ से दिनेश राजपूत, केकेडी न्यूज लखनऊ। आज हम मौजूद